हेलो बच्चों, ग्राफिक टीचिंग आर्ट में आपका स्वागत है। अब मैं आपको पावर पॉइंट में बताने जा रहा हूँ कि आप किस तरीके से अपने पेज में एनिमेशन दे सकते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, पहले डिजाइन पे जाता हूँ। तो जैसे मैंने कुछ इस तरह का कोई डिजाइन ले लिया इस तरीके से, और ये अगर आप डिजाइन नहीं लेना चाहते हैं सिंपल, जैसे मैंने सिंपल लिया, तो इसमें मैं कुछ इफेक्ट शो करता हूँ। जैसे मैंने किया डेट एंड टाइम, मैंने इस पर सिलेक्ट किया, इस तरह की कोई डेट शो कर दी। आप यहाँ शो करते हैं, जैसे मैंने इसमें भी कुछ इफेक्ट शो किया कि ऐसा कुछ इफेक्ट शो कर लिया, इस तरह की कोई डेट शो कर दी। आप यहाँ चाहें तो इसका फॉन्ट स्टाइल थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। तो जैसे ये मैंने साइज़ थोड़ा सा बढ़ा दिया इस तरीके से। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, जैसे मैं यहाँ एक न्यू पेज आता हूँ, मैंने यहाँ इस तरीके से एक ब्लैंक पेज और ले लिया। इस तरीके से दोबारा मैं जा रहा हूँ, मैंने एक पेज और ले लिया। मैं तीन पेज करता हुआ दिखा रहा हूँ आपको इस तरीके से। तो दूसरे पेज में मैं यहाँ क्या करता हूँ कि जैसे मैं कोई डिज़ाइन बनाता हूँ, तो इंसर्ट पे जाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ कोई शेप ली, काफ़ी सारी शेप हैं, तो जैसे मैंने इस तरीके की कोई शेप ले ली, ऐसा कोई शेप आपने इफेक्ट लिया। शेप लेने के बाद डबल क्लिक करता हूँ, फॉर्मेट में जाता हूँ, यहाँ कोई भी स्टाइल आपका दे देता हूँ इस तरीके से। काफ़ी सारे स्टाइल हैं जो भी आपको देने, आप दे सकते हैं इस तरीके से। तीसरे वाले पेज पे क्लिक करता हूँ, आप यहाँ जाते हैं, यहाँ कोई भी स्टाइल दे देते हैं, जैसे कुछ इस तरह का कोई स्टाइल दे दिया आपने। अब मैं इंसर्ट पे जाता हूँ, मैंने फिर शेप पे क्लिक किया कि मुझे इस शेप में बैकग्राउंड में कोई शेप चाहिए। तो जैसे मैंने इसमें इस तरह की कोई शेप दे दी ऐसा कुछ करते हुए, तो मैं एक शेप और ले लेता हूँ इसकी। जैसे इस तरीके से मैंने कोई एक शेप और ले ली इस तरीके से। अगर आप यहाँ इसमें इसमें इसका इस तरह का इफेक्ट कोई आइकन चेंज कर सकते हैं, डबल क्लिक करता हूँ। आपने यहाँ इसका कलर चेंज किया इस तरीके से, मैंने कोई कलर चेंज कर दिया इसमें, तो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में डिजाइन तक बताया था, जब आप यहाँ जाते हैं तो आप अपने इस बैकग्राउंड में कोई भी एनिमेशन देते हैं। तो जैसे मैं करके दिखा रहा हूँ, जैसे इस तरीके से कट पे क्लिक करूँगा, ये कट का ऑप्शन है, नन पे कुछ भी इफेक्ट नहीं आएगा। फेड पे क्लिक करता हूँ, इस तरीके से स्टाइल है, अलग अलग स्टाइल है कि तुम्हें पेज को लेफ्ट राइट टॉप बॉटम किस तरीके से दिखाना है। तो जैसे मैंने इसमें ये वाला स्टाइल दिया, आप यहाँ जाते हैं, जैसे इसमें मैंने ऐसा कुछ इफेक्ट शो कर दिया, आप यहाँ गई कि फिर मैंने इस तरह का कोई स्टाइल दे दिया इस तरीके से। तो ये काफ़ी सारे स्टाइल हैं, इनको बेटा एक एक करके आप यूज़ कर सकते हैं। अब इसके बाद ही हमारा यहाँ चलता है कि मैं इसमें कोई साउंड भी शो कर सकता हूँ, कि इस तरीके से आप कोई भी साउंड शो कर सकते हैं, जो भी आपको साउंड देना है। तो ये साउंड वाला इफेक्ट है कि मैं यहाँ से कोई भी साउंड शो कर सकता हूँ। आप यहाँ साउंड कितनी देर तक रुका रहे, तो यहाँ आप उसका टाइम बढ़ा सकते हैं। और जैसे मैंने यहाँ टाइम बढ़ाया और अप्लाई कर दिया, तो ये इस तरीके से इस तरह का इफेक्ट आएगा आपका आपका यहाँ आप यहाँ जाते हैं इस तरीके से कोई भी इफेक्ट की, जो हमारा ये इफेक्ट है वो कितनी देर तक रुका रहे, तो अप्लाई करता हूँ। तो फिर मैं दोबारा करके दिखा रहा हूँ इस तरीके से, वो थोड़ा सा आराम से स्लो मोशन में आएगा। तो ये काफ़ी सारे स्टाइल हैं कि हमें किस तरह का स्टाइल देना है। आप इस तरीके से कोई भी इफेक्ट अपने हिसाब से दे सकते हैं इस तरीके से कुछ। तो ये काफ़ी सारे स्टाइल थे, इफेक्ट में गया तो ये अलग काफ़ी सारे स्टाइल हैं, जिस तरीके से आपको देना है अपने हिसाब से आप दे सकते हैं। मैंने यहाँ प्रीव्यू पे क्लिक किया, तो मैं पेज वन पे जाता हूँ, प्रीव्यू पे क्लिक करता हूँ पहला पेज। इसके बाद आपका मैं सेकंड पे गया, मैंने प्रीव्यू पे क्लिक किया, ये दूसरा पेज इस तरह का एनिमेशन देगा। तीसरे पे गया, मैंने प्रीव्यू पे क्लिक किया, ये तीसरा पेज। अगर हम तीनों पेज को ये किस तरीके से एनिमेशन एक एक करके दिखाई दें, तो मैं यहाँ शो पे क्लिक करता हूँ, मैंने यहाँ सेलेक्ट किया इस तरीके से, फर्स्ट पेज इस तरीके से आएगा मेरा। सेकंड पेज मैं माउस से लेफ़्ट क्लिक करता हूँ इस तरीके से, ये सेकंड पेज आ रहा है। मैं माउस से लेफ़्ट क्लिक करता हूँ, ये थर्ड पेज आ रहा है इस तरीके से। आप इस तरीके से कोई भी पेज शो कर सकते हैं। तो इसको मैं क्या करता हूँ, मैं जब मुझे स्लाइड शो से अपने पावर पॉइंट पे आना पड़ता है, तो ये कीबोर्ड की फर्स्ट की आपको ये दबानी होगी, जिससे कि आप अपने पावर पॉइंट पे आ सकते हैं। तो आज मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी, आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं। धन्यवाद।